राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में मैं आया तो उसमें भी उसी मार्ग पर चलते हुए जीवन की पवित्रता, संकटों को सहन करना जी। और उस वक्त जिस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में मैं आया तो देश एक तरह से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उस वक्त चारों तरफ एक माहौल था जिसमें देश की आजादी के लिए नौजवानों की तड़प और उसके लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना थी। तो ये जो एक तरह से उन्होंने जो हर प्रकार के संकट को मीट करने के लिए जो उन्होंने एक अपने हमारे जीवन के अंदर एक घुट्टी दी, उस घुट्टी के कारण ही जितनी भी कठिनाइयां आई उनको सहन करते हुए पार करना यह शक्ति मिली। और बेटा सबसे बड़ी बात यह हमारी हर मुश्किल के अंदर जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है, अब तो थोड़े उम्र के कारण बहुत कम लोग उस सिचुएशन के अंदर स्टैंड कर रहा है, बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुबह 4 बजे घर से निकलना, 4:30 बजे की बस पकड़ना, उस वक्त बसें ही होती थी, कारें कहाँ थी, बहुत कम थी, और निकल करके फिर 5 घंटे सफ़र करके बच्चों के लिए खाने की चीज़ भी कुछ रात को बना लेनी, कोई सुबह उठ के बना ली, उनको रास्ते में देना, फिर वहाँ पर जाकर आप ज़रा मुँह हाथ धो करके बच्चों का भी मुँह साफ करके फिर मुझे मिलाना, फिर वापस 5 घंटे का रास्ता और आकर के फिर माता जी को बताना। बेटा प्यारे छोटे बच्चों, मुझे आपको भी कहना है कि जहाँ पर आपके माता पिता परिवार के अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको अपनी आंखों के सामने रखकर अपना व्यवहार करते हैं, आप भी ये सीख अपनी गांठ के तौर पर अपने हृदय के अंदर बांधें कि आपने भी उसी कदम पर चलना है ताकि परिवार की प्रतिष्ठा, आदर, मान और समाज के अंदर अपना जो उचित स्थान है वो स्थान बना रहे और उसके मुताबिक हम सब लोग आगे अपना कदम बढ़ाकर
समाज के अंदर भी सुधार की थोड़ी सी एक जो योगदान है उस योगदान को हम अच्छे ढंग से दे सकें। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप भी जो अपने परिवार का एक स्थान है, परिवार की जो वैल्यूज़ हैं उनको किसी कीमत पर कम नहीं होने दोगे और उसको और बढ़ाने की कोशिश करोगे और सप्ताह में एक बार इकट्ठे बैठकर भगवान का नाम लेना, सत्संग करना, कीर्तन करना, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो इस वैल्यू का एक भाग है। उस भाग को भी कभी भूलना नहीं, उसको भी अपने स्थान पर अगर याद रखोगे तो ये भी सबके लिए, बच्चों के लिए एक आदर्श बनेगा। हर एक में चले जाना। गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि कोई दुख पा के मर गया, कोई सुख पा के मर गया, जीता रहा न कोई हरिक आके मर गया, आकल था दूसरों को समझा के मर गया और बेअकल छाती पीट के घबरा के मर गया, जीता रहा न कोई हरिक आके मर। हमारे देखते हुए, हमारे मतलब आप सबके, हमारे देखते हुए करोड़ों लोग चले गए और ऐसे करोड़ों लोगों के देखते हुए हमने भी एक दिन चले जाए। तो इस छोटी सी आयु के अंदर हम जो बात कबीर जी ने कही, जिसका भजन यहाँ पर हमें सुनने का मौका मिला, कि जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए।